हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली नया चैप्टर के साथ अगला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। और बहुत दिन बाद वो चैप्टर है आपका स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टराइजेशन। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड चैप्टर है ना। सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, वो थॉट प्रोसेस, वो एप्टीट्यूड, वो स्किल डेवलप होता है इस चैप्टर के थ्रू, है ना। कितना इजीली आप गंदे गंदे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेते हो, वो ऑब्जर्वेशन, वो स्किल आपका बेसिकली इन चैप्टर में डेवलप होता है, ठीक है, जो आगे के ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आगे आने वाली ज़िंदगी में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग है, समझते हैं, है ना। बेसिकली ज़्यादा कोई कंसेप्चुअल डेप्थ नहीं है, सेट थियरी, इनइक्वालिटी सिक्वेंस, उन सब की तरह, ठीक है। बट उसमें टेक्निक्स, मैथमेटिकल स्किल्स, है ना, वो थिंकिंग प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो डेवलप करने का बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है आगे की ज़िंदगी के लिए, तो पढ़ना चाहिए सभी को, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन यहाँ से बहुत सारे कंपटीशन में यूज़ हो जाता है डायरेक्टली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पसंद करो ना पसंद करो वो आपकी बात है, बट यू कंट इग्नोर द चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका टेक्स्ट बुक में जैसे एक्सरसाइज वाइज दिया गया है वैसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आप जानते हो मेरा खुद का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। तो उसी अंदाज में पढ़ाता हूँ ताकि टॉपिक जो है वो सटीक आपके दिमाग में जा कर के बैठे कम मेहनत में, और वो जो एक्स्ट्रा मेहनत जो बचा रहा हूँ उस इफेक्टिव टीचिंग से, वही एक्स्ट्रा मेहनत आपको लगाना चाहिए अपना लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल में फाइट कर सको, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो एफर्ट लगाना चाहिए, ना कि ये सब फालतू की चीज़ों में। तो पहले चैप्टर में तीन एक्सरसाइज दिया गया है आपका। मैं सारे एक्सरसाइज के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है उन सबको एक लेक्चर में लेकर के आ गया है ना। उनके प्रूफ्स को हम डिटेल में देखेंगे, और वो प्रूफ्स आज का लेक्चर जो है ना वही आगे के दोनों लेक्चर का बेसिक होने वाला है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जिस बच्चे को आज का लेक्चर समझ नहीं आया वो आगे के थॉट प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएगा कि सर कैसे सोच रहे। सर का थॉट प्रोसेस अगर पकड़ना है तो इन प्रूफ्स को ध्यान से समझना है। बकायदा फॉर्मूला याद सबको होता है, होना भी चाहिए आपको, वो अलग बात है, बता दिया जाएगा। बट कैसे हम इनको प्रूफ कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, है ना, वो चीज समझना और अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन फॉर्मूले को याद करने से नहीं होगा, या फिर इनका प्रूफ्स को प्रैक्टिस कर करके याद करने से नहीं होगा, थॉट प्रोसेस को समझो। एक एक क्लू दूंगा, सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे टोटल 70 आइडेंटिटीज लिखा गया है, वो सारे के सारे एक झटके में कर डालोगे आप। कुछ प्रेशर लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, एक की पॉइंट को पकड़ना है, उस थॉट प्रोसेस को समझना है कि बोला गंदे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते कैसे, थॉट क्या रहना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, बस खत्म। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चंस जो है ना, ये सबको आप फॉर्मूला मत मानो, इनको थ्योरी मत मानो, इन सबको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि इन सबको फैक्टराइज करो, क्योंकि देखोगे जो भी आंसर्स राइट हैंड साइड में लिखा गया है वो सारे के सारे फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिखा गया है। तो आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो ना कि आपके पास टोटल मैंने 17 फॉर्मूला दे दिया फैक्टराइज करने के लिए, करो फैक्टराइज, ठीक है। ऑलरेडी आप पॉलिनोमियल चैप्टर में अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में कुछ कुछ फैक्टराइजेशन तो पढ़ चुके हो, तो उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले जाकर के आप देखो ना कि इन सारे क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मान लो सबको एक एक क्वेश्चन मान लो, फॉर्मूला मानने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज हो जाएगा, इसीलिए इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बोल के पढ़ाते हैं। क्लियर है, उसके पीछे लॉजिक बस इतना सा है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप समझ गए, फॉर्मूला बोलो, क्वेश्चन बोलो, कुछ भी बोलो, ये अगर इनका थॉट प्रोसेस, इनको निकालने का, प्रूफ करने का थॉट प्रोसेस अगर क्लियर हो गया, तो क्वेश्चंस आपके लिए एकदम पानी जैसा चला जाएगा, इजीली आगे के दो लेक्चर एक ही फ्लो में निकल जाएगा आपके हाथों से। क्लियर, बहुत इजीली आप टैकल कर लोगे। इस लेक्चर में बहुत ही इफेक्टिवली चीजों को समझने का प्रयास करो, टू द पॉइंट। अगर समझ गए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा और चीजों को बहुत अच्छे से आप पकड़ पाओगे। क्लियर है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है, है ना। तो पहले लेक्चर में मैं सारे पूरे चैप्टर्स में जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है सबको लेकर के आ गया, ठीक है, उन सबको प्रूफ करके खत्म करेंगे। और मान लीजिए जितने भी एग्जांपल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, मटेरियल से कुछ भी अच्छा क्वेश्चन अगर कराना है, सब मिला करके, और दो लेक्चर में तो हो जाएगा, और दो लेक्चर आएगा, तो उन दो लेक्चर में बाकी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल 3 to 4 लेक्चर का टॉपिक है, एक लेक्चर पूरा थियरी फॉर्मूला में जाएगा। बट उनको फॉर्मूला ट्रीट मत करो, आप क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो उनको, तो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सीख पाओगे। और रिमेनिंग लेक्चर्स जो होंगे वो बुक के एग्जांपल एक्सरसाइज प्योर क्वेश्चंस के ऊपर होंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंगली।
देख सकते हो आप सबसे पहले है ना, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑलरेडी आप जानते हो। पॉलिनोमियल्स में जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज था आपका मैथ्स वाला सेगमेंट में, उधर आपको ऑलरेडी बता दिया गया होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये सब ये फॉर्मेट्स ऑलरेडी आप जानते हो। तो इनका प्रूफ्स, इनका फॉर्मूला बस मैंने लिख दिया है और इनका प्रूफ वगैरह किसी भी चीज़ में मैं कोई बातचीत नहीं करने वाला। अगर आप नहीं जानते हो वो लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लेक्चर जाकर के देख लो, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब बातचीत हो गया है उधर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते कहानी यहां से। इन चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा, इन चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा। मेरे ख्याल से मैं इनको ऑलरेडी आपको उधर प्रूफ कराया था, बट खैर मैं वापस बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिखा गया है कि a माइनस बी जो होगा वो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का हमेशा एक फैक्टर होगा। ये डिपेंड ही नहीं करता है कि n का वैल्यू एक ऑड नेचुरल नंबर है या इवन नेचुरल नंबर है, n कुछ भी हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, a माइनस बी हमेशा इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। क्लियर है, बात समझ रहे हो, क्लियर है ना। अच्छा तो अभी इसको अगर प्रूफ करने के पीछे सोचे, पहले चारों को एक बार बता देता हूं फिर मैं प्रूफ आपको बताता हूं। फिर आपको ये समझना है कि भाई अभी आया मेरे पास कहानी किसका, ये माइनस होगा, अभी आया अगर n इवन होता है, अगर n इवन होता है तो a प्लस बी जो है वो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का एक फैक्टर होगा, कन्फर्म है। बट अगर n ऑड होता है तो a प्लस बी इसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। जो जो पॉइंट्स लिखा गया है एग्जैक्टली पूरा पूरा अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आगे लिखा गया है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के बारे में, तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n का एक फैक्टर आपको मिलेगा a प्लस बी, वो भी कब मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब n क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है। क्लियर, और अगर n इवन इंटीजर हो गया ना तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n का कोई फैक्टर आप बता नहीं पाओगे, a प्लस बी भी इसका फैक्टर नहीं होगा और a माइनस बी भी इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो बस इतना सा, ये चार पॉइंट आपको अच्छे से समझ के लॉजिक के साथ याद रखना है। अगर ये समझ गए आप तो ये सारे फॉर्मूले आप खुद से ही लिख लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बात समझ ना, क्लियर है। चलिए तो देखो मैं आपको कैसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए फैक्टर थ्योरम लगाएंगे और क्या लगाएंगे, अगर मैं इसको एक टू वेरिएबल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंसिडर करूं, ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये फैक्टर इसका, मतलब ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर, टू वेरिएबल में पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं, तो ये इसका फैक्टर तभी हो पाएगा जब इस पॉलिनोमियल का जो रूट होगा वो इसका भी एक रूट होगा। क्लियर है, इसका जो रूट होगा वो इसका भी रूट होगा तभी ये फैक्टर हो पाएगा ना, क्लियर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि अगर a माइनस बी का रूट, मतलब क्या, a इज इक्वल टू बी, मतलब इसको इक्वल टू जीरो करके निकालोगे ना, a इक्वल टू बी, तो अगर मैं a इक्वल टू बी यहां पे रख देता हूं तो आंसर मेरे को जीरो मिलना चाहिए, तभी तो ये रूट होगा ना ऊपर वाले का और ये फैक्टर प्रूफ हो जाएगा। तो देखो a इक्वल टू बी अगर मैं यहां रखूंगा a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n तो जीरो आ जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा कि n का वैल्यू क्या है, आंसर तो डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। तो मैं क्लियरली बोल पाऊंगा कि a माइनस बी जो होगा वो a पावर n माइनस b पावर n का एक फैक्टर होगा। तो इसका लॉजिक जो है वो कहां से निकल रहा है, फैक्टर थ्योरम से निकल रहा है। बट अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी, तो अगर a के जगह पे माइनस बी रखूंगा तो यहां पे माइनस बी होल पावर n माइनस b पावर n, तो ये चीज जीरो कब होगा, ये चीज जीरो तभी होगा जब इसका वैल्यू b पावर n के इक्वल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू b पावर n के इक्वल कब होगा, जब n का वैल्यू इवन होगा। अगर n का वैल्यू ऑड हो गया तो ये माइनस b टू द पावर n हो जाएगा और ये b टू द पावर n होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा, इसीलिए यहां पे इवन इंटीजर लिखा गया है। तो अगर ऑड इंटीजर हो जाता है तो ये प्लस b इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। समझो मेरी बात, क्लियर है, आगे चलते हैं। a पावर n प्लस b पावर n, सिमिलरली अब देखो यहां से a का वैल्यू अगर माइनस b रख देते हो, अब की बार यहां पे प्लस आ गया, तो यहां पे प्लस, अभी ये जीरो कब होगा, मतलब अभी मेरे को माइनस चाहिए, तो माइनस कब मिलेगा, जब n ऑड होगा। सिंपल सा चीज है, अगर आप भूल जाते हो ना तो भी आप खुद से सोच के निकाल सकते हो कि a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा या क्या होगा मामला।
ठीक है, एन ऑड होगा कि इवन होगा, इजीली आप निकाल सकते हो। और ए पावर एन प्लस बी पावर एन का अगर मैं बात करूं ना, अगर एन इवन हो जाता है तो आप खुद से देखो, अगर मैं बोलूं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अगर बोलूंगा तो ए के जगह पे बी रखना पड़ेगा, बी के जगह पे ए रख देते, तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा। कैसे जीरो होगा ये तो कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा, ये तो ट्वाइस ए टू दी पावर एन है, ये जीरो तभी होगा जब ए जीरो हो जाएगा, और ए तो जीरो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, क्लियर है। और ए प्लस बी अगर इसका फैक्टर होना चाहता है तो ए का वैल्यू माइनस बी रखने के बाद ये जीरो होना चाहिए, तो ए का वैल्यू अगर मैं माइनस बी रखता हूँ तो ये जीरो कैसे होगा, क्योंकि एन का वैल्यू तो यहाँ पे इवन बोला गया है ना, तो ये ट्वाइस बी टू दी पावर एन है, ये भी जीरो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि अगर एन इवन हो जाता है तो ना ए प्लस बी और ना ही ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा, मतलब इसका इन दोनों में से कोई फैक्टर मिलेगा ही नहीं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये चारों पॉइंट्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहां से मिलता है, फैक्टर थ्योरम से मिलता है। क्लियर है, समझ में आया, जो आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया गया है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, आप मान सकते हो। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो बस यही है चीजें, ठीक बात है, यही है चीजें, है ना, इसी चीज को समझना है अपने को, और क्या बोलो। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है? तो यही है प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये चार पॉइंट्स है ना, ये चार पॉइंट्स समझ के अच्छे से नोट करके बकायदा रीजंस के साथ अच्छे से नोट्स बना करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इनके मदद से हम कुछ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये कौन सा फॉर्मेट में जा रहा है, ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन, जहाँ तो ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन में ए माइनस बी तो एक फैक्टर होगा ही होगा, चाहे एन का वैल्यू कुछ भी हो जाए। इसीलिए देखो यहाँ पे हर जगह पे ए माइनस बी एक फैक्टर तो दिख ही रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अभी ए प्लस बी का फैक्टर होगा अगर एन इवन हुआ, तो a प्लस बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, a प्लस बी आपको यहाँ पे भी दिखेगा इस जगह पे। अगर वापस इसको फैक्टराइज कर लोगे, देखो जैसे मान लो यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये a प्लस बी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट जब n का वैल्यू ऑड है तो कोई a प्लस बी आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूले को लिखते जाओगे ना। फॉर्मूला याद करने का एक प्रॉपर टेक्निक भी बता सकता हूं आपको, कैसे याद करोगे। सिमिलरली ए पावर 5 माइनस बी पावर 5, ए पावर 6 माइनस बी पावर 6, आप विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं आपको याद कराने के लिए मैं इनको यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसी ऑब्जर्वेशन से याद करा दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा पलट के लिख रहा हूं ताकि मैं ऑब्जर्व करा पाऊं। तो अगर ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन, ये फैक्टराइजेशन आपको पूछा जाता है कि इसको फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे, डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले आप कुछ भी पूछ दे, मान लो ए टू दी पावर एक्स माइनस बी टू दी पावर एक्स भी अगर पूछ दिया जाता है तो यहाँ पे ए माइनस बी तो एक आ ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी हमेशा इसका एक फैक्टर होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा एक्स का वैल्यू क्या है, ठीक है। और उसके साथ जो चीज आएगा वो क्या आएगा उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पे आया a प्लस बी, यहाँ पे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मतलब कॉफिशियंट सारे के सारे वन ही रहेगा, कॉफिशियंट सारे के सारे क्या रहेगा, वन ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना दोस्त कि देखो, अगर यहाँ पे थ्री है तो ए का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टू से, ए टू दी पावर टू बी टू दी पावर जीरो, फिर एक ए का पावर डिक्रीज हुआ एक बी का पावर इंक्रीज हुआ, ऐसे बोल सकते हैं ना इस फैक्टर को, ए स्क्वायर बी टू दी पावर जीरो, फिर एक ए का पावर टू से वन हुआ बी का पावर जीरो से वन हुआ, बी इंक्रीज हो रहा है ए डिक्रीज हो रहा है, फिर ए डिक्रीज होकर पूरा जीरो हो गया, बी इंक्रीज होते होते पूरा टू हो गया, उसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता, नेगेटिव में कैसे जाएगा, समझ में मेरी बात, क्लियर है। तो यही आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर फोर है तो यहाँ पे थ्री से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, फिर एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, समझो। यहाँ पे टू है तो यहाँ पे ए पे स्टार्ट हुआ है, तो ए ए ए एट ए टू दी पावर वन बी टू दी पावर जीरो, और अगले वाले पे क्या आएगा, ए टू दी पावर जीरो बी टू दी पावर वन, और तो कुछ होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए अगर मैं ए टू दी पावर एक्स माइनस बी टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला आपको पूछूं, या फिर मान लीजिए ना ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन का ही अगर फॉर्मूला पूछूं तो आप इजीली लिख पाओगे। आप बोलोगे सर ए माइनस बी तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ कौन आएगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस वन से स्टार्ट होगा, और अंदर सारे के सारे प्लस में आ रहा है, दिख रहा है ना, सारे के सारे प्लस में आ रहा है, तो a टू दी पावर n माइनस वन आया, फिर a का पावर एक डिक्रीज हो जाएगा, फिर b का पावर एक इंक्रीज होगा, पहले तो यहाँ पे b टू दी पावर जीरो इसीलिए वन है,
फिर ए का पावर एक और डिक्रीज होगा, बी का पावर एक और इंक्रीज होगा, ऐसे चलते 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 ए का पावर पूरा जीरो हो जाएगा और बी के पावर में पूरा मैक्सिमम चला जाएगा। और मैक्सिमम कितना है, अगर यहाँ पे एन है तो मैक्सिमम एन माइनस वन है, अगर यहाँ पे थ्री है तो मैक्सिमम टू है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया पूरा पूरा ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन का फॉर्मूला। क्लियर? तो इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन से चीजों को आप निकाल भी सकते हो। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? इसीलिए कॉन्सेप्चुअली चीजों को सीखना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? सिखाने का तरीका बहुत अलग होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, लोग बोलता है टीचिंग कोई भी बात ही नहीं, ठीक है, बट मेरे को इतना मेहनत करना पड़ता है कि एक चीजों को पढ़ाए कैसे, प्रिपेयर कैसे करे, किस तरीके से डिलीवर करे, ताकि मैक्सिमम मतलब खतरनाक गजब तरीके से कनेक्ट हो आपका एकदम, अगर आपके अंदर पढ़ने का मन है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तो ये सब ज्यादा आपको दिमाग में घुसेगा नहीं आपका। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उसी बच्चे को किल करना जो पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, लोग मेरे को बोलता है कि अच्छा बच्चा पढ़ाना, कलाम इंस्टीट्यूट का हमेशा से एक 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 आइडियोलॉजी हमेशा रहता है और ये जिंदगी भर मेंटेन रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये मेंटेन रहेगा। मेरे बाद क्या होगा नहीं पता मेरे को, बट मैं जब तक जिंदा हूं ये चीज हमेशा मेंटेन रहेगा। वो क्या है कि सबसे ज्यादा एफर्ट जाता है हमारा अच्छे बच्चे के ऊपर। लोग बोलता है कि अच्छे बच्चे को पढ़ाना तो कितना आसान है, उसको कुछ भी समझा दो वो समझ जाएगा, उसको तो पढ़ाने का जरूरत ही नहीं होता है, वो खुद ही समझ जाता है सारी चीज। अच्छा बच्चा को पढ़ाना इतना डिफिकल्ट है कि सबका बस की बात ही नहीं है भाई। समझ गए मेरी बात? ठीक है, क्योंकि अच्छे अगर आप एक खराब बच्चे को जिस तरीके से पढ़ा रहे हो उस तरीके से अगर अच्छे बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तब तो एक अच्छे बच्चे को पढ़ाना कोई डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं, क्योंकि खराब बच्चे को तो ये सब समझाने का मेरे को कोई जरूरत है? मैं डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करता। ये देखो फॉर्मूला याद कर लो, ऐसे ऐसे प्रूफ होता है, फॉर्मूला ऐसे ऐसे अप्लाई करता है, क्वेश्चन कर लो, हो गया। कॉन्सेप्चुअली डीप में जाने का जरूरत ही नहीं है खराब बच्चे को पढ़ने के लिए, एवरेज बच्चे को पढ़ाने के लिए। वो पकड़ भी नहीं पाएगा, उसको पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है अगर उसके अंदर से इंटरेस्ट नहीं है तो। बात लॉजिकली ट्रू है कि नहीं, आप देखो ना यार, खुद ही देखो। कॉन्सेप्चुअली डीप में जाने का तो जरूरत ही नहीं है ना भाई। समझ में ना? तो ऑर्डिनरी एवरेज बच्चे को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उस तरीके से अगर आप एक गुड स्टूडेंट को जिसके अंदर सीखने का चाहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में है कोशिश करोगे तब तो आप इजीली उसको पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत ही है। आराम से, ये आराम का जॉब है, जैसे सभी लोग करते हैं, बोलते हैं अच्छा बच्चे को तो पढ़ाना कोई डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं, बट अच्छे बच्चे को उसका लेवल पे जाके अगर पढ़ाना है तो रातों रात घर बैठे काम करना पड़ता है। समझो मेरे बात? ठीक है, अगर अच्छे बच्चे को एक नेशनल टेबल में टॉपर बनाने के लिए पढ़ाना है तो पहले खुद को उस काबिल बनाना पड़ता है, तब जाकर के पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे बच्चा हमारा आइडियोलॉजी इस इंस्टीट्यूट का एक ही है कि अच्छा बच्चा का लेवल अगर यह है तो उस लेवल को यहाँ पे लेके जाएंगे, अगर उसका लेवल यह है तो उसका लेवल और ऊपर लेके जाएंगे, यही काम है। पर दुनिया जो आइडियोलॉजी बना रखा है अच्छे बच्चे को लेकर के, उनको तो पढ़ाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उनका लगता है कि अच्छा उनका लेवल यही है, वो ये लेवल सेट करके रखा है। अभी अगर अच्छा लेवल, अच्छा बच्चा अगर इस लेवल में है तो उनको बस इतना सा ही मेहनत करना पड़ता है। अगर अच्छा लेवल इस अच्छा बच्चा जो आएगा उनके पास वो अगर इस लेवल का है तो वो उनके ऊपर कोई मेहनत करने का जरूरत ही नहीं होगा। अगर अच्छा बच्चा इस लेवल का है तो उसको ट्यूशन्स का या फिर कोचिंग का जरूरत ही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू देम। बट हमारे हिसाब से अगर अच्छा बच्चा इस लेवल का है तो उसको उस लेवल में लेके जाने जरूरत है भाई, जरूरत है, उसका नीड है उसको। जब तक मैं किसी भी अच्छा बच्चा को आज तक मैं अच्छे से उनके साथ ट्रीट ही नहीं करता हूं, उनको ये फील ही नहीं होने देता हूं कि बोला वो अच्छा स्टूडेंट है, उनको हमेशा इंसल्ट करता हूं। मैं एक एवरेज बच्चे को जितना इंसल्ट नहीं करता हूं, जितना नीचा दिखाने का कोशिश नहीं करता हूं, जितना भाव नहीं खाता हूं उसके सामने, अच्छा बच्चे के सामने उतना भाव खाता हूं। और खाने से वो बुरा भी नहीं मानता क्योंकि वो जानता है मैं उसके पीछे कितना मेहनत करता हूं। समझ में आ रहा है ना? तो आइडियोलॉजी ये होना चाहिए, इसीलिए तो देख रहे हो ना पूरा रीजन का क्या हालत है, है ना? ITJ में 2 साल में एक बच्चा भी निकाल नहीं पाता। क्यों? टैलेंट, पूरा टैलेंट का पूल तो बहुत खतरनाक लेवल में है बट वो पूरा पूरा बर्बाद हो चुका है। क्यों? सिस्टम के वजह से। मास्टर लोग ऐसे घटिया है तो क्या करोगे यार? ठीक है, चलो। उनको लगता है कि बाकी एवरेज बच्चे को जैसे फॉर्मूला रटाता है, अच्छा बच्चा को तो रटाएगा तो वो जल्दी कैच कर लेगा चीजों को, तो वही होता है टीचिंग। सच आ रहा है ना? ठीक है, बट अच्छे बच्चे का जो लेवल कुछ और ही होता है और उसको अलग ही लेवल में पढ़ाना पड़ता है, और उसको पढ़ाने के लिए खुद को पहले उस लेवल में बनाना पड़ता है। वो तो कोई समझने वाला है नहीं ना यार, वो जो समझता है उसको मैं उस जगह तक पहुंचा दूंगा, वो मेरा ओपन चैलेंज है। ठीक है, जो समझने वाला है नहीं मना समझे, क्या दिक्कत है उसमें? क्लियर है क्या? मेरे को कोई फर्ज नहीं पड़ता है। मेरा बैच में हर क्लास में एक बच्चा अगर है जैसा मैं चाहता हूं तो मेरा
पूरा डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाता है मेरे को, पूरा बैच में और कोई बच्चा रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं जितना पढ़ाना चाहता हूँ, जिस वे में चीज़ों को कनेक्ट कराना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको स्कूल टॉपर या फिर रीजनल टॉपर या फिर स्टेट टॉपर बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में ये सब पढ़ाने का, मैं जिस वे में पढ़ाता हूँ उस वे में पढ़ाने की कोई जरूरत है क्या? बोला डायरेक्टली टेक्स्ट बुक खोल के एक्सरसाइज कराओ, रटा दो पूरा पूरा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज करके दे दो खत्म, बात फर्स्ट प्लेस लेकर के आ जाएगा यार पूरा पूरा बोर्ड एग्जाम में, बोला पूरा स्टेट में, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, वो कोई टफ जॉब है क्या? बट अगर उसको नेशनल टॉपर बनाना है, अगर उसको इंटरनेशनल लेवल में कम्पीट कराना है, तब पता चलता है यार कि कितना दम है किसमें। समझ आ रहा है? चलो, तो ये कहानी तो आप समझ गए, ए पावर एन माइनस बी पावर एन वाला कहानी। अभी अगर मैं बात करूं ए पावर एन प्लस बी पावर एन को कैसे कनेक्ट करेंगे सर, वो बताओ। तो अपन ने ये समझ करके रखे कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन अगर फैक्टराइज करने गया अपन, अगर इस चीज को अपन फैक्टराइज करने के बारे में सोचे, और अगर एन ऑड है, अगर एन ऑड है तो ए प्लस बी तो उसका एक फैक्टर होगा ही होगा, और अगर एन इवन है तब तो मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि उसका फैक्टर कौन होगा, उसको तो और ही तरीके से सोचना पड़ेगा बाइनोमियल वगैरह पढ़ने के बाद। अभी इसको हम स्टडी नहीं कर सकते ए पावर एन प्लस बी पावर एन वेयर एन इज ऑड, सॉरी एन इज इवन, क्योंकि एन इज इवन अगर होता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी कोई भी उसका फैक्टर नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल लिखा वो सारे के सारे एन ऑड में लिखा, क्योंकि एन अगर ऑड होता है तो एक फैक्टर तो हमें पता है ए प्लस बी आएगा ही आएगा। और उसके बाद कहानी किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है देखो, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है, पावर एक कम हो रहा है, एक का एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, मैक्सिमम तक जा रहा है। और अभी पहले बस साइन सारे के सारे अंदर प्लस था, अब की बार यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे माइनस माइनस, मतलब अल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर आप बोलोगे कि सर आप एक बार ये बोलो ना, सर आप एक बार ये बोलो ना कि a पावर n प्लस b पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, जहां पे n जो है वो क्या है ऑड है, तो मैं बोलूंगा कि अगर n ऑड है तो इसका आंसर a प्लस b में लेकर के जाओ, a प्लस b तो इसका एक एक फैक्टर होगा ही होगा, और अंदर जो होगा वो a टू दी पावर n माइनस 1 से स्टार्ट करो, और साइन जो है वो अल्टरनेट चेंज करो, प्लस दिए तो पहले फिर माइनस, a का पावर एक कम कर दो b का पावर इंक्रीज कर दो, फिर माइनस के बाद प्लस, ए का पावर एक और कम कर दो बी का पावर इंक्रीज कर दो, फिर माइनस, ए का पावर एक और कम कर दो बी का पावर एक और इंक्रीज कर दो, ऐसे चलता जाएगा। और आखिरी वाला क्या आएगा, प्लस या माइनस आएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखो अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे 7 है आखिरी वाले पे प्लस आ रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे तो n ऑड है तो आखिरी वाले पे ऑब्वियसली क्या आएगा, प्लस ही आएगा, और वो क्या आएगा बी टू दी पावर n माइनस 1 आएगा। तो चलो इसका फॉर्मूला भी हमने लिख लिया, और अगर n इवन होता है तो फॉर्मूला क्या होगा कोई नहीं जानता है दोस्त, कोई नहीं जानता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कितना इजीली हमने चीजों को ऑब्जर्व कर लिए, देखो समझ में आया ना? क्लियर? अभी कौन है इस दुनिया में बताइएगा जो ये कंसेप्ट आपको पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है कोई, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है, इसके बिना फुल मार्क आएगा यार। ये तभी जरूरत है जब वो नेशनल लेवल में फाइट मारेगा, जब वो इंटरनेशनल लेवल में फाइट मारेगा, तभी उसको ये सब लॉजिक्स का जरूरत है, अदरवाइज क्या करेगा वो। सही बात है? क्लियर है? तो एडवांस मैथ्स को अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए और सही तरीके से पढ़ा जाए ना, तो ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना इफेक्टिव सब्जेक्ट है कि आसाम के जितने बच्चे होंगे ना उनका मैथमेटिक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल, अगर उनको सही तरीके से पढ़ाया जाए, अगर बुक में जितना दिया जाता है वो सारे के सारे चीज अगर पढ़ाया जाता है तो वो गजब लेवल का मैथमेटिक्स होगा। जैसे साउथ इंडियन बच्चों का हो नहीं होता है, आप आंध्र प्रदेश जाओ, आप तेलंगाना जाओ, आप कर्नाटका जाओ, गजब लेवल का मैथमेटिक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि 9th-10th लेवल में बच्चों को इतना अच्छे लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। आप ओलंपियड्स का रिजल्ट देखिएगा ना, आसाम का कट ऑफ कितना जाता है, 10 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ऐसे आंध्र प्रदेश का कट ऑफ देखिएगा 38, 39, 40 से नीचे नहीं आता है कभी 102 में। समझ मेरी बात? ठीक है, तो ये एक दिन में नहीं होता है, वो बच्चों के पीछे उस तरीके से ड्रिल किया जाता है इनिशियल लेवल से। चाइनीज लोगों को देखो मैथ्स ओलंपियड में, उनका परफॉर्मेंस देखो, ये हवा हवा में होता है, एक्सरसाइज कर करके और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन रट रट के हो जाता है ये सब, ये हवाई फायरिंग तो नहीं है ना भाई, और ये बोर्ड एग्जाम ये स्कूल एग्जाम तो है नहीं। क्लियर है? तो इसीलिए अपने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल में लेके जाने के लिए उस लेवल में एफर्ट से बच्चे का नहीं, सबसे पहले टीचर का, पूरा सिस्टम का चाहिए, देन बच्चे का चाहिए। क्लियर है दोस्त? समझो मेरी बात।
इस बुक में इतना सारी चीजें सब कुछ दिया गया है, क्योंकि बुक जिसने लिखा है उस मिस्टेक्स तो बहुत सारे हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स भी है, बट कुछ टीचर्स जो है, मतलब एक ही जाना मान सकते हो प्रवीण दास सर, उन्होंने जो जो चैप्टर्स लिखा अच्छे चैप्टर्स है, बिल्कुल अच्छे चैप्टर्स है, ठीक है, और कंसेप्चुअल है, क्योंकि वो इंसान ओलंपियर्स के साथ जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंगली। जिनके पास नॉलेज है वो लिखेगा, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो गलत सलत ही लिख के देगा, ऑब्वियसली प्रॉपरली। नॉलेज ना होना ये कोई गलत बात नहीं है, बट उसको एक्सेप्ट ना करना ये गलत बात है। चलिए ज्यादा बात ना करके हम आगे के फॉर्मेट्स में चलते हैं, फॉर्म नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त आगे के फॉर्म्स जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंगली एंड समझते हैं। तो आप प्रॉपरली यहाँ पे जो भी लिखा गया है नोट्स बना लीजिएगा अकॉर्डिंगली, मैं उनको इरेज कर रहा हूँ एंड देन हम चीज़ों को और अच्छे से कनेक्ट करके समझते हैं। देखो अभी पूरा पूरा फील मैं दिलाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली फैक्टराइजेशन बोला किया कैसे जाता है, कैसे हम चीज़ों को फैक्टराइज करते हैं, ये पूरा पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी बात समझो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या बोला गया है, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आप एक फॉर्मूला ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो यहाँ पे, इसके बारे में और मैं बातचीत नहीं करूँगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC ये फॉर्मूला आता है, इनका दो फॉर्मूला दोनों मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में प्रूफ करा चुका हूँ दोनों के बारे में, और इनके ऊपर बेस करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंडीशनल आइडेंटिटीज़ भी आता था 1, 2, 3, वो भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था उधर, क्लियर है। तो चलिए अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर 2 से, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ठीक है, हम प्रूफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिजल्ट को जरा ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 times ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस है, ठीक है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करके ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को इधर लेकर के आ जाता हूँ माइनस करके, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाता है, एक फैक्टराइज्ड फॉर्मेट आ जाता है, डेफिनेटली एक फैक्टराइज्ड फॉर्मेट आ जाता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना, मैं कभी कभी आपको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि इसको फैक्टराइज करने दे देता हूँ, इसको अगर फैक्टराइज करने दे देता हूँ तो आपको आंसर क्या निकालना चाहिए, यही निकालना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप फैक्टराइज्ड फॉर्मेट बोल सकते हो, इसको आप फैक्टराइज्ड फॉर्मेट बोल सकते हो, क्लियर। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब है ना, ऑलरेडी आप a प्लस बी होल क्यूब को जानते हो, जैसे आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किए थे ना वैसे ही आप करो। आप ऑलरेडी a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हो, तो a को तो a ही रहने दो और b के जगह पे आप b प्लस सी को ट्रीट करो, ठीक है, और लगा दो आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू b के जगह पे कौन आएगा, b प्लस सी आएगा, प्लस 3 इंटू a इंटू b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी होल क्यूब, बात समझो, क्लियर है। चलिए तो यहाँ से अगर अपन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ब्रेक अगर करेंगे इसको तो ए स्क्वेयर बी प्लस थ्राइस ए स्क्वेयर सी प्लस 3 ए, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस 2 बी सी प्लस सी स्क्वेयर, अगेन बी प्लस सी होल क्यूब को अगर ब्रेक करोगे तो बी क्यूब प्लस 3 बी स्क्वेयर सी प्लस 3 बी सी स्क्वेयर प्लस सी क्यूब, क्लियर। चलिए तो पूरा पूरा इसको अगर ब्रेक कर देते तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए स्क्वेयर सी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर प्लस 6 ए बी सी प्लस थ्राइस ए सी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस बी सी बी स्क्वेयर सी प्लस थ्राइस बी सी स्क्वेयर प्लस सी क्यूब। तो मेरे को पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो चाहिए, तो इन तीनों को एक साथ मर्ज कर देते, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सही है, प्लस ए स्क्वेयर बी ए बी स्क्वेयर, सही है। रिमेनिंग पार्ट्स को आप एक साथ रख दो, ए स्क्वेयर सी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस 6 ए बी सी प्लस थ्राइस ए सी स्क्वेयर, सही बात है, क्लियर है। तो मान लीजिए एक काम करते एक साथ एक काम कर देते, 3 कॉमन ले लेते सभी से, 3 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ए सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी प्लस बी सी स्क्वेयर, ठीक है। और कहीं ना कहीं
अगर अभी मेरे को इस चीज को किस में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए में, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए में कन्वर्ट कर देता हूं तो यही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा इसके थ्रू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन। देखो देखो, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर को मर्ज करके, ठीक है। जैसे पहले इसको सॉल्व कर लेते, चलो फिर मैं वो ऑब्जर्व कराता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, जो की पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझना। मेरे को इस चीज को किस में कन्वर्ट कराना है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए में। मतलब इन तीनों फैक्टर में से आप पहले एक फैक्टर कॉमन लाने का कोशिश करो ना, पहले आप एक फैक्टर कॉमन लाने का कोशिश करो। आपका जॉब बस इतना सा होना चाहिए कि सर मेरे को कैसे भी करके एकाध फैक्टर निकालना है। अगर एक फैक्टर अपन ने निकाल दिए सर, बाकी सारे के सारे फैक्टर ना अपना आप आ जाएगा। समझो कैसे अपना आप आएगा, वो देखा जाएगा, देखते हैं अपन। चलिए आप बस एक फैक्टर निकालने के बारे में सोचिए अच्छे से, एक फैक्टर, कोई भी एकाध फैक्टर आप निकालने के बारे में सोचिएगा। प्लस थ्री, मान लीजिए यहां पे मैं बी प्लस सी को निकालने के बारे में सोच रहा हूं, तो यहां पे तो मेरे को इजीली बी प्लस सी दिख रहा है ना। तो मैं बी सी अगर कॉमन ले लेता हूं तो बी प्लस सी तो यहां पे तैयार हो चुका है ऑलरेडी, क्लियर है। अच्छा, यहां पे ट्वाइस ए बी सी देख करके मेरे को शक हो रहा है कि काश अगर मैं यहां से इन तीनों टर्म से ए कॉमन ले लेता तो इजीली मेरे पास बी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर से बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाता। बिल्कुल सही सोच रहे हो सर आप, कोई गलत बात नहीं है। और इस जगह से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो पूरा पूरा बी प्लस सी बन रहा है। एक फैक्टर बस कॉमन निकालने के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर एक फैक्टर आप कॉमन निकाल देते हो तो बाकी फैक्टर्स अपना आप तैयार होके आ जाएगा आपके पास। बी सी इंटू बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा दोस्त, ए इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। सही बात है। तो यहां से बी प्लस सी निकाल दीजिए, यहां से बी प्लस सी निकाल दीजिए आप, तो ये थ्री इंटू बी प्लस सी अंदर क्या आ जाएगा, बी सी, बी सी बचेगा ना, प्लस ए इंटू बी प्लस सी बचेगा, प्लस ए स्क्वायर बचेगा, क्लियर है। चलिए तो इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये कितना आ जाएगा, बी सी इंटू ए बी, सॉरी बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी बी कॉमन ले लेते हैं। सही बात है। तो आराम से बाकी अपना आप बन जाएगा, आप चिंता मत करो ना। मैंने बोला ना आपको, एक फैक्टर कॉमन निकालने के बारे में सोचो, बाकी अपना आप बन जाएगा। यहाँ से अगर बी कॉमन निकालेंगे, इतना तो समझ ही जाएंगे अभी आप कि यहाँ से बी कॉमन जा रहा है सर और यहाँ से ए कॉमन जा रहा है। बस सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है अभी। तो सी प्लस ए कॉमन आ जाएगा और बाकी वाला बी प्लस ए हो जाएगा। तो यही चीज इसको मेंटेन कर देते और यही चीज बी प्लस सी, यहाँ से सी प्लस ए कॉमन आ गया और रिमेनिंग फैक्टर ए प्लस बी बन जाएगा। हो गया पूरा पूरा प्रूफ, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यही एग्जैक्ट थॉट होता है जिस थॉट के थ्रू हम चीजों को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का थॉट एकदम से वही होता है। तो यहां से वही कोरोलरी जो आगे लिखा गया है और देकर के वो भी अप्रूव कर सकते हो कि यहां से यह बता सकते हो ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो होता है वो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी जो मैं इंपॉर्टेंट थॉट आपको बताने वाला था वो क्या था कि यही क्वेश्चन जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर को मर्ज करके क्या लिख सकता हूं, ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके। फिर ए स्क्वायर सी और ए सी स्क्वायर को मर्ज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, आगे वाले को बी सी इंटू बी प्लस सी और इसको सी ए इंटू सी प्लस ए, और साथ में कितना आएगा, टू ए बी सी आएगा। तो इसी चीज का आंसर क्या निकल करके आ गया, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आ गया ना, थ्री तो बाहर था, ठीक है। यही कौन सा फॉर्मूला है, देखो नंबर सेवन वाला है, तो नंबर सेवन वाला भी इसके साथ साथ ऑलरेडी एक साथ निपट चुका है, ठीक है। सेवन वाला भी इसके साथ साथ पूरा निपट गया ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेवन वाला भी हो गया, फाइव वाला भी हो गया, टू वाला भी हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और मैं फॉर्मूला निकाल के दे सकता हूं आपको इसी जगह से, ठीक है। वो क्या है, देखो यहां से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो बी प्लस सी आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। फिर इन दोनों से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में सी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। और फिर आखिरी वाले दोनों से अगर मैं सी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसका भी आंसर सेम है, देखो क्लियर है, समझो मेरे पास, ठीक है। फिर आपको एक और फॉर्मूला निकाल के दिखा सकता हूं, ए बी स्क्वायर और यहां पे क्या है, मान लीजिए ए सी स्क्वायर, इन दोनों से अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है, फिर b कॉमन ले लेता हूं, सिमिलरली c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 6 7 8 तीनों के तीनों और ये नंबर 2, ये सारे के ये चारों के चारों प्रूफ जो है वो आइडेंटिकल है और वो एक साथ चारों के चारों इसी प्रूफ में सॉल्व कर दी हमने। क्लियर, समझ में आया? तो ये 2 का प्रूफ हो गया और रिमेनिंग जब ये 3 वाला आएंगे, अब डायरेक्टली प्रूफ जब आप लिखने जाओगे ना, पहले सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा, फिर जब प्रूफ लिखने जाओगे तो 2 के साथ एक साथ आप 6 7 8 नोट दे करके लिख देना कि ये डायरेक्टली 2 का ही प्रूफ है, 2 में ही वो लॉजिक ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। क्लियर, समझ में आया? क्लियर, चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते और रिमेनिंग लॉजिक्स को देखते। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, आगे बढ़ते और रिमेनिंग लॉजिक्स को देखते। तो अभी चलते हैं नंबर 3 के पास। नंबर 3 कुछ भी नहीं है, सिंपल है, x प्लस a मल्टीप्लाई कर दो, दो दो करके अपने आपके पास आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x प्लस a और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते पहले, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस सी एक्स हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा। फिर अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी एक्स प्लस ए बी सी। सही बात है, क्लियर है? तो इजीली यहां से निकल रहा है, देखो ये इन तीनों को अगर मैं मर्ज कर देता हूं तो ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है। सिमिलरली इन तीनों को अगर एक साथ पकड़ लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ रहा है और यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली जो नीचे वाला है वो माइनस दे करके दिया गया है, उसमें बस अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। रिजल्ट जब याद रखोगे तो ऐसे ही याद रख लो, तीनों पे माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस है। अभी अगर दो पे माइनस एक, दो पे माइनस एक पे प्लस या फिर एक पे प्लस दो पे माइनस, ऐसे अगर कर देता है, चेंजेस कर देता है, तो अकॉर्डिंगली आपको निकाल के देखना होगा क्या होगा, उसके लिए और मैं याद नहीं करा रहा हूं। तो ये भी अपना हो गया और सेकंड वाला आप खुद से यहां से कर लीजिएगा। क्लियर, चलते अगला प्रूफ, दैट इज नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, 4 के ऊपर क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि 4 ऑनवर्ड्स जो चीजें चालू हुआ है, मैं बोल सकता हूं ना कि ये एक्सप्रेशन जो है वो पूरा पूरा आपको फैक्टराइज करने बोला गया है। मान लो ऐसे ही, तो मान लो ना कि ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली क्या बोल दिया है, फैक्टराइज करने को बोल दिया गया है। ठीक है, चलो प्रूफ नंबर 4 ध्यान से देखिएगा क्या कर सकते हैं। ए प्लस, वही लॉजिक मेरा एक ही रहेगा, थॉट एक ही है, मेरे को भी नहीं पता कि मैं कैसे करूंगा, थॉट एक ही है बेसिक, मेरे को एक की पॉइंट आता है फैक्टराइजेशन का और कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन बस। इसको मल्टीप्लाई कर देते पहले, पहले तो खोलते इसको, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक दिखेगा नहीं चीजें। ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी सी। तो एक ए बी सी साथ, तो एक ए बी सी के साथ कैंसिल आउट हो जाना है। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी सी बच रहा है और इसका आंसर आप ऑलरेडी जानते हो क्या होगा, ए प्लस बी बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अभी अभी हमने प्रूफ कर दिया, तो एग्जाम में अगर आएगा तो डायरेक्टली यहाँ से ये लिखने से होगा नहीं, जो प्रूफ मैंने अभी किया है वो प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स छोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ नंबर 2 पे, वही चीज आप ऑलरेडी कर लीजिएगा। तो ये जो 2 4 है ना, प्लस 2 एबीसी वाले जितने भी प्रूफ है वो सारे के सारे 8 तक, देखो 8 तक सारे के सारे फॉर्मेट, ये कहने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग आइडेंटिटीज है, बट लॉजिक तो सबका सेम है, एक ही लॉजिक से सारे के सारे निकल करके आ गया। समझ मेरी बात, क्लियर है? चलो ये देखो, अभी अगला प्रोफाइल आपको 3 एबीसी तक वाला दिखेगा, ये तीनों भी सिमिलरली एक ही लॉजिक से हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस वाला लॉजिक स्टार्ट हुआ, माइनस वाला लॉजिक भी 12 से मान लो 16 तक एक ही लॉजिक से जाएगा, देखो। ठीक है, और 17 वाला थोड़ा सा हटके है, ये ऑलरेडी ओलंपियड्स में पूछ भी चुका है 17 वाला। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, आईजीएसओ में जूनियर साइंस ओलंपियड में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेज में एनएससीजेएस में पूछा था 9। ठीक है, 8 तक हमारा हो चुका है, नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करना, वो आपका जॉब है, पहले मैं बता रहा हूं। क्लियर है? नंबर 9,
नाइन। रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है देख लेता हूँ एक बार। बस वो चल रहा है सही से, सब कुछ अप टू डेट चल रहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। क्यों चलो नाइन नाइन में देखो जरा क्या हो रहा है। ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस सी सही है, प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी प्लस ए, प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी प्लस ए, प्लस सी स्क्वेयर इंटू ए प्लस बी प्लस थ्राइस ए बी सी, सी स्क्वेयर इंटू ए प्लस बी प्लस थ्राइस ए बी सी। सही बात है, क्लियर है। चलो तो इसको कैसे अपन प्रूफ करेंगे देखते हैं। पहले ओपन कर देते हैं, तो ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर ए, मतलब ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस थ्राइस ए बी सी। आंसर क्या लाना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। मतलब कैसे भी करके अभी मेरे को इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर पहले प्रोड्यूस करने बारे में सोचना है, कि कैसे भी करके इस फैक्टर को कॉमन निकालो सर, यही सोचना है, बाकी अपना आप हो जाना है। ठीक है, अच्छा एक लॉजिक हमको पता चल रहा है कि अगर मैं ए से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो तीन टर्म आएगा, बी से मल्टीप्लाई करूंगा तीन टर्म, और सी से मल्टीप्लाई करूंगा तीन टर्म आएगा, तो टोटल तीन 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 कितना टर्म आएगा, नाइन टर्म्स आएगा। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लाना है, जैसे मैंने पहले सोचा था बी प्लस सी को कॉमन लाऊंगा, वही थॉट अप्लाई कर रहा हूं ना, कोई भी एक फैक्टर कॉमन लाना है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लाना है तो नाइन टर्म्स चाहिए। ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो नाइन टर्म्स यहाँ पे है क्या, एक दो तीन चार पाँच छः ही टर्म है, तो और तीन टर्म चाहिए आपके पास, तो इस सेवेंथ वाले टर्म को तीन टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, थ्राइस ए बी सी को ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी लिख दो, खत्म बात, वहीं पे तुम्हें इंक्लू था, समझो मेरे बात। तो बेसिक जो है वो सेम स्टिक हो रहा है नहीं हो रहा है, सोचो ना एक बार, बेसिक्स जो है वो तो सेम ही है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। बेसिक थॉट जो है, थॉट प्रोसेस जो बना के दिया था आपको, वो तो सेम रहता है ना दोस्त, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, फंडामेंटल सेम होते हैं हमेशा, उसी को पकड़ना होता है। हर क्वेश्चन को अलग अलग देखोगे तो आपके ऊपर स्ट्रेस बनता जाएगा, चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, याद करना पड़ेगा। अभी अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लाने के बारे में सोचूं तो मैं कैसे लाऊंगा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, है ना। मान लीजिए मैं ए स्क्वायर बी को पकड़ता हूँ, यहाँ से ए बी अगर कॉमन ले लूंगा तो ए बचेगा, इसके साथ अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो यहाँ से ए बी कॉमन लेने के बाद सी बचेगा। ठीक है, तो ए और सी मिल गया, तो अभी मेरे को चाहिए क्या, बी चाहिए, तो ऐसा मेरे को टर्म चाहिए जहां से मैं ए बी कॉमन लेने के बाद बी बचे, मतलब ए बी इंटू बी दैट इज ए बी स्क्वायर, तो मैं इसके साथ किसको लूंगा, बीच में मैं ए बी स्क्वायर को होके फिर ए बी सी में जाऊंगा, तो इन तीनों को अगर मैं लेता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी मेरे को फैक्टर मिल जाएगा। ऐसे ही सोचते एग्जैक्टली, क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। तो थॉट प्रोसेस को पकड़ो, यहां से अगर मैं ए सी कॉमन ले लूंगा ए बचेगा, यहां पे सी बचेगा, और यहां से ले लूंगा तो बी बचेगा, तो रिमेनिंग जो है वो बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर और ए बी सी आ गया। यहां से ए बी कॉमन ले लेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ये एरो आप लगा सकते हो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, फिर ए सी कॉमन ले लेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और फिर ए बी सी अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते पूरा तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज मतलब क्या, फैक्टर्स का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कितना इजीली सॉल्व हो गया, देखो समझ हो ना मेरी बात, क्लियर है। अब ये तो समझ ही रहे हो कि एक अगर हो गया तो बाकी दोनों अपना आप हो ही जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को तो मैंने इस तरीके से लिखना ऑलरेडी सिखा दिया, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर को मर्ज करके ए बी कॉमन ले लो ए प्लस बी आ जाएगा, बी सी कॉमन ले लो बी प्लस सी आ जाएगा, सी ए कॉमन ले लो सी प्लस ए आ जाएगा, और यहीं से अगर मैं बी यहां से और यहां से बी कॉमन ले लेता हूं तो अंदर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये एक्सप्रेशन को इन दोनों एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आप इजीली टैकल कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बात करते दोस्त। चलो नेक्स्ट, आगे माइनस वाले प्रूफ्स, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, ए स्क्वेयर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वेयर इंटू ए माइनस बी।
ठीक है, इसी को प्रूफ करना है इस चीज में, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में लेकर के आना है तो यहां से लेकर के 16 तक, 12 से 16 तक सेम पैटर्न पांचों के पांचों, तो मैं क्या सोचूंगा कि पहले मेरे को b माइनस सी कॉमन लेके आना होगा, वही तो मैं सोचूंगा ना। तो b माइनस सी कैसे कॉमन लेते हैं, चलो सोचते हैं। यहां पे तो एक b माइनस सी क्लियरली दिख रहा है, तो इसको तो और ब्रेक करने का मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है, बस आगे के कहानी को ब्रेक करो और वहां से b माइनस सी को कॉमन निकालो, बस आपका इतना सा जॉब होना चाहिए। तो अगर मैं बी स्क्वायर सी और बी सी स्क्वायर को पकड़ता हूं, यहां से बी सी कॉमन ले लेते तो बी माइनस सी आ जाएगा, और इन दोनों को पकड़ने से भी एक बी माइनस सी मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो थॉट पूरा क्लियर होना चाहिए, थॉट जिसका क्लियर नहीं है वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा, वो गणित कभी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे इतना वैरायटी है, अगर पैटर्न ऑब्जर्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बी माइनस सी यहां से कॉमन आ गया, यहां पे ए स्क्वायर बचा, बी सी बचा, माइनस ए बी माइनस ए सी, क्योंकि ए जब बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा तो वही होएगा। ठीक है, अभी आपको क्या कॉमन चाहिए, मान लीजिए ए स्क्वायर और ए बी को मान लेते हैं तो ए माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे तो भी ए माइनस बी आ जाएगा, अपना आप बन जाएगा। मैंने बोला ना एक फैक्टर कॉमन निकालोगे बाकी अपना आप बन जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे बी माइनस सी आ गया, ऑब्वियसली आप समझ रहे हो क्या करोगे, एक माइनस कॉमन ले लो तो ये सी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, तो a माइनस बी पूरा पूरा निकल गया, b माइनस सी आया और बाजू वाला a माइनस सी आया, तो a माइनस सी से एक माइनस निकाल देते तो ये कितना आ जाएगा, c माइनस a आ जाएगा, आ गया आंसर। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है, इजीली फैक्टराइज हो गया, समझ गए मेरी बात, क्लियर है। तो अगर मैं ये करके दिया तो ये तो डेफिनेटली आपका होमवर्क बनेगा, ये करने का तो कुछ है ही नहीं है, डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, 13 तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि 12 और 13 का एक्सप्रेशन ऑलरेडी कैसे कन्वर्ट करते एक दूसरे में आप ऑलरेडी जानते हो। क्लियर है, समझ में आया। अपन करते हैं अगला 14 करते, चलो 14 करते, चलिए इजी पार्ट है, अगर आपको सही तरीके से बताया जाए ना तो ये सब इजी है, कनेक्ट कर लोगे बहुत आसानी से। ए क्यूब इंटू बी माइनस सी, प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए, प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी, सही बात है। तो इसको फैक्टराइज करना है, ठीक बात है। तो पहले ओपन कर देते हैं, ओपन करके हम सोचते हैं कैसे भी करके वही बी माइनस सी वगैरह कॉमन निकालने के बारे में। तो यहाँ पे तो बी माइनस सी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, इसको ओपन करते हैं, ए सी क्यूब माइनस बी सी क्यूब, तो ऑलरेडी इन दोनों को मर्ज करते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पहले के जैसा ही है, बी सी वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए कॉमन आ गया तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा। तो ये ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। तो बी माइनस सी यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ए क्यूब बच रहा है, बी सी इंटू बी प्लस सी बच रहा है, माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ से बी माइनस सी आ रहा है कॉमन, ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर। अभी इस जगह से आपको नया जॉब स्टार्ट होता है। अभी आपको क्या सोचना है कि कैसे करके मैं सी माइनस ए को कॉमन निकालूं या ए माइनस बी को कॉमन निकालूं, मतलब एक और फैक्टर कॉमन निकालूं, क्योंकि यहाँ पर चार फैक्टर दिख रहा है ना, तो एक और फैक्टर कॉमन निकालूं। छोटा छोटा करके स्टेप लेकर के सोचो, अपना आप चीजें कनेक्ट होता जाएगा, चिंता मत करो कुछ भी, ठीक है। चलो तो अगर मैं सोचता हूँ, मान लो इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ तो ए बी कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, है ना, और इन दोनों को कनेक्ट कर ले तो बी सी आ जाएगा, बी माइनस ए माइनस कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा, और यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बी माइनस ए आ जाएगा, बस और क्या चाहिए, इजीली हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से बी सी कॉमन ले लिया बी माइनस ए आ गया, और यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए आ गया। क्लियर है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख पाओगे, तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ए माइनस बी डायरेक्टली कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये a इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक बार ए माइनस बी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे माइनस आएगा एक, और यहाँ पे भी एक आध माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इस जगह से अगर मैं b कॉमन ले लेता हूँ, है ना, इसको और लिखना बार बार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ से अगर मैं b कॉमन ले लेता हूँ तो a माइनस सी आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से क्या आ जाएगा, a प्लस सी इंटू ए माइनस सी। तो a माइनस सी अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना तो c माइनस ए आ जाएगा इंटू a प्लस बी प्लस सी आ गया, और माइनस बाहर आ जाएगा, देखो प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो थॉट प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि थॉट प्रोसेस अगर क्लियर है, फैक्टर कैसे निकालते हैं वो अगर एक फैक्टर के बारे में अगर अपन ने सोच लिए, समझ लिए, काम कर लिए, तो बाकी अपना आप हो जाएगा उसी थॉट प्रोसेस के साथ। अभी सोचो ये सब अगर मैं एक साथ पैटर्न ऑब्जर्व करके ना पढ़ाते, अलग अलग फॉर्मूला करके पढ़ाता, एक फॉर्मूला उसका एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला उसका एग्जाम्पल, तो कितना स्ट्रेस जाता आपके दिमाग में, समझो। इसीलिए अपना एक अलग ही अंदाज होता है, उसको फॉलो करो, गजब तरीके से चीजें कनेक्ट होगा, समझो मेरी बात। वो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। 15 नंबर, ये 15 नंबर एक आध तो आप करोगे। यहाँ से बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इजीली कॉमन आ रहा है, ये होमवर्क दे रहा हूँ, एक आध तो आप करो कम से कम, ठीक है। ये दोनों आप करना 15 और 16, क्योंकि थॉट प्रोसेस ऑलरेडी सिखा दिया, चीजें पूरा पूरा इजीली आप कर लोगे, उसमें खास कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, नया कुछ सिखाने वाला है ही नहीं ना यार, इसमें नया क्या ही सिखाऊं, बोलो ना। ऑलरेडी जो चीज करा के दे दिया है बाकी सारे जगह पे, उसी चीज को अप्लाई कर रहा हूं, और क्या, और तो कुछ है ही नहीं ना, उसी चीज को अप्लाई करना है। 17 वाला चलो करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, इसको थोड़ा सा देखते अच्छे से, सही है। 17 वाले को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। नंबर 17, प्रूफ नंबर 17 देखिए, 2 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, इनडायरेक्टली इसी को भी फैक्टराइज करने ही बोल रहा है आपको, है ना, इसी एक्सप्रेशन को आपको क्या बोला जा रहा है, फैक्टराइज करने ही बोला जा रहा है, ए पावर 4 बी पावर 4 सी पावर 4, सही बात है, ठीक। फिर इसको खोल के लिखो, अच्छे से लिख करके फैक्टराइज करो, बस यही आपका जॉब है। कैसे फैक्टराइज करेंगे देखते, इसको देखते समझते अच्छे से, क्यों, चलो। तो एक चीज मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले किसी ना किसी को तो पकड़ना पड़ेगा, यहां पे फैक्टर्स भी थोड़ा अजीब तरीके से दिख रहा है, ठीक है, चलो इस चीज को अलग कर देते, क्योंकि मैं यहां पे bc को b पावर 4 और c पावर 4 और 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बनेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मेरे को दिख गया ये, ठीक है। तो अगर मैं, और यहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्यों, सही है, सही बात है, चलो देखते हैं। तो माइनस ए टू द पावर 4 को अलग रखता हूं, ठीक है, फिर माइ 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, माइनस बी पावर 4 माइनस सी पावर 4 को अलग रखता हूं, ठीक है, एक थॉट को लेकर के मैं प्रोसीड कर रहा हूं, और 2 ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अलग रखता हूं, सोच सकते हैं ऐसे। तो यहां से माइनस ए पावर 4 निकल करके आएगा, यहां से अगर मैं माइनस निकाल देता हूं तो ऑब्वियसली ये बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, अच्छा। और यहां पे आपको करना पड़ेगा मेन खेल, देखो ये क्या बन जाएगा, ये तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ ही पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है नहीं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो कॉमन आएगा नहीं, तो करे क्या हम लोग, है ना। यहाँ पे गजब का सिंप्लीफिकेशन यूज होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इस 2 को अंदर घुसाइए, अगर ये स्टेप आप नहीं लिख पाओगे ना तो शायद ये सॉल्व ही नहीं होगा, और टफ क्वेश्चंस में इसी प्रकार के ऑब्जर्वेशंस यूज होते हैं, इसीलिए इनको लर्न करो अच्छे से, इनको लर्न करोगे अच्छे से तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी लगा देता हूँ, और उसी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ माइनस ट्वाइस बी सी लगा देता हूँ, ताकि एक बार ये बी प्लस सी होल स्क्वायर बन जाएगा और एक बार ये बी माइनस सी होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये तो बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर देगा ही ना,
क्लियर है क्या, समझ रहे हो? तो इजीली ये निपट जाएगा, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर, और अगेन ये ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, तो इन दोनों को अभी मर्ज कर देते हैं, और इन दोनों को मर्ज कर देते, तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही बात है। और इन दोनों को अगर मर्ज कर दिए और b माइनस सी होल स्क्वायर अगर मैंने निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ b प्लस सी होल स्क्वायर, सही बात है, क्लियर। तो ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये क्या आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, सही है। और इधर कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही तो पैटर्न है ना, इंटू ए माइनस बी माइनस सी, सही है, सही है दोस्त। चलो तो a प्लस बी प्लस सी तो पूरा पूरा कॉमन है, कॉमन निकल करके आएगा, a प्लस बी प्लस सी तो अपन ने निकाल दिया, सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो b प्लस सी माइनस ए भी निकल जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे एक माइनस बचेगा विथ b माइनस सी होल स्क्वायर, तो अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बी प्लस सी माइनस ए, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी। तो घुमा के आप देखोगे कि यही चार फैक्टर्स आपके पास आ गया, क्लियर है। तो ये था अच्छा प्रॉब्लम, अगर टफ सिंप्लीफिकेशन टफ फैक्टराइजेशन आपके पास आता है तो ये हुआ, इन सारे के सारे तो एक थॉट से हो गया था ना, उसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं, कोई स्पेशल फैक्टराइजेशन अगर मिला तो ये वाला मिला, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आप बोल सकते हो, क्लियर, इसको फैक्टराइज करना, क्योंकि इसमें काफी सारे थॉट्स आपको सीखने को मिला, ठीक है। एक स्पेशल थॉट तो इस स्टेप में सीखने को मिला कि कैसे हम BC को एक साथ रखने के लिए ऑब्जर्व किए, फिर जैसे ही BC को एक साथ रखने के लिए हमने ऑब्जर्व किए तो यहाँ पे आके अपन फंस गए, क्योंकि ये तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर बना रहा था और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रहा है, तो तुरंत इसको हमने प्लस और माइनस में कन्वर्ट किया इस तरीके से, ये जो स्टेप था ये भी एक और स्टार कंसेप्ट था, ठीक है। फिर इसको आपने इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर तो इजीली हो गया, बट ये जो दो स्टेप सोचना था वही आपका टैलेंट का पहचान देता है कि कितना आप सोच पाते हो जल्दी, बस उसी जगह पे टैलेंट आता है, बाकी हर जगह पे मेहनत ही आता है, ठीक है, क्लियर। अगर कोई बच्चा ये खुद से सोच लेता है बहुत अच्छी बात है, मतलब उसको और टफ टफ चीजें कराने से और वो कर पाएगा, ठीक है, वही तो होता है ना मेन चीज, समझ में आ रहा है ना, वही तो होता है मेन चीज, ठीक है। और अगर कोई बच्चा इसको सोच नहीं पाया, उसको मैंने करके दिया तो वो सीख जाएगा, अगर उसके अंदर सीखने का चाहत है, अगर लर्निंग का एटीट्यूड है तो वो सीख जाएगा, सीख करके वो दूसरे बंदों से फाइट कर लेगा, क्या दिक्कत है, सिर्फ खुद से सोचने से नहीं हुआ ना, बहुत अच्छे बच्चे आगे जाके फेल हो जाते, क्यों, क्योंकि वो खुद से सोच तो लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते, सिंसियरिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, फंस जाते आगे जा करके। तो इन महीना बाद जब भी मैं टेस्ट में पूछूंगा ये सवाल, बहुत अच्छा बच्चा नहीं कर पाएगा कि भूल जाएगा वो, शायद उस वक्त एग्जाम प्रेशर में उससे ना हो ये क्वेश्चन, बट अगर एक एवरेज बच्चा है, लर्निंग एटीट्यूड उसके अंदर है, भले वो क्लास में नहीं कर पाया बट उस चीज को वो लर्न कर लेगा, उसका गलती कहाँ हुआ, क्या वो सोच नहीं पाया, हर वक्त सीखने के लिए खोजता रहेगा, वो सीखते सीखते लर्न कर जाएगा, चीजें उसको याद हो जाएगा, एग्जाम में कर देगा, वो उस बच्चे को बीट करके निकल जाएगा, क्लियर है, यही होता है मेहनत का फायदा। तो अगर आप अच्छा हो ना हो, मेहनत करना तो मैंडेटरी है, वो तो करना ही पड़ेगा, अगर अच्छा है, आपका दिमाग ज्यादा है, टैलेंट ज्यादा है आपके अंदर, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियस है, बट अगर आप मेहनत छोड़ दिए उसके चक्कर में तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्लियर है। तो जो भी यहाँ पे आपको लर्निंग हुआ है अच्छे से इसको ग्रैप्स करने की कोशिश करो और इसको अप्लाई करना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, इसी को हम अप्लाई करेंगे, करने के बाद और चीज़ों को अलग लेवल में लेकर के जाएंगे, ठीक है। यही वो छोटे मोटे चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट करेगा, याद रखना, ठीक है। तो प्रॉपरली चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करना, ठीक है। तो आखिरी में यहाँ पे मैं कंडीशनल आइडेंटिटीज लिखा गया, तो कंडीशनल आइडेंटिटीज देखो मैं कितना भी चाहूँ बना करके खत्म नहीं कर पाऊंगा। अब अगर मैं दे दूंगा इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर मैं दे देता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जीरो हो जाएगा, देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर ये तीनों के तीनों जीरो हो गया तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, या फिर इसका वैल्यू माइनस थ्री ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, ये सब पूछा जा सकता है ना। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू माइनस थ्री ए बी सी,
तो ये तो आपको समझ ही आ रहा है, अरे भाई ये तो इसी फॉर्मूले से निकल रहा है। कंडीशनल आइडेंटिटी मतलब क्या, एक कंडीशन लगा दो के प्लस बी प्लस जीरो, अगर यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ ए माइनस बी या फिर बी माइनस सी या फिर सी माइनस ए कोई भी अगर जीरो मान लेते तो क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा, आर एच एस जीरो आ जाएगा, तो इसका वैल्यू पूरा पूरा जीरो आ जाएगा, तो वो एक कंडीशनल आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, कि इफ दिस इक्वल टू जीरो देन दैट इक्वल टू जीरो, खत्म बात, क्लियर है। तो कंडीशनल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ खास, है ना, ये आप खुद चाहो तो खुद हजारों कंडीशनल आइडेंटिटीज बना सकते हो। अगर यहाँ पे बोल दो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन एक नया फॉर्मूला आ जाएगा कि ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर प्लस सी पावर फोर का इक्वल क्या आ जाएगा, टू इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है दोस्त, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो बस वही चीज है ना, वही चीज आपको ध्यान से समझना है और खास उसमें एज सच कुछ भी नहीं है। क्लियर है, समझ में आया दोस्त? चलो, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से चीजें आपका कनेक्ट हुआ। इसको आप ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में भी सोच सकते हो, ए स्क्वायर होल स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ना, सोच के देखिएगा अकॉर्डिंगली, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है, चलो, तो फॉर्मेट वाला जितना भी पार्ट है पूरा चैप्टर का, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, पूरा चैप्टर का जो थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल फॉर्मेट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स एंड थियरी पोर्शन पूरा मैंने इस एक घंटे में आपको तैयार करके दे दिया। इसके बाद आपको फैक्टर्स कैसे बनाए, फैक्टराइजेशन में शायद ही कभी कोई दिक्कत आए, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? फिर जो हमने सीखे अभी उसके ऊपर एप्लीकेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक तो उसका परफेक्शन नहीं आएगा ना, जितना नीड था सब कुछ पूरा कर दिया। ठीक है, बट जब तक मैं उस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो वो परफेक्शन कभी नहीं आएगा। तो उसके लिए है ना हमारा अगला दो लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा, उसमें अलग अलग जितनी भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपके बुक के जितने अच्छे क्वेश्चन है सब करा के देंगे, आप चिंता मत करो। बट मैं कराने से पहले एक बार आप भी ट्राई कर लीजिएगा और फायदा हो जाएगा आपको लेक्चर देखते वक्त, क्लियर है, अगले लेक्चर जो भी आएगा, है ना। और मटेरियल से भी कुछ क्वेश्चन लेंगे एंड अकॉर्डिंगली अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी है करके देने का प्रयास करेंगे, क्लियर है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते, है ना, और कोई भी डाउट्स होगा कमेंट्स में पूछ सकते हो अकॉर्डिंगली कमेंट सेक्शन में, या फिर आप क्लास में भी अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो, आपका चॉइस है। ठीक है, बट प्रॉपरली लेक्चर को देख के अच्छे से एक एक पॉइंट्स एक एक की पॉइंट्स लिख करके रखिएगा, नोट्स प्रॉपरली बनाइएगा और जम करके मेहनत कीजिए, अच्छे से समझ के बाकायदा समझ के एक एक स्टेप ईमानदारी से पढ़ने के बाद जो भी डाउट्स है वो क्लियर करके फिर अपन अगले लेक्चर्स में जाएंगे। तो आज के लेक्चर के बाद कोई होमवर्क नहीं रहेगा, अगले लेक्चर्स के बाद जरूर पूरा पूरा बुक आपका होमवर्क में जाएगा, क्लियर है। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को, है ना, अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिएगा प्रॉपरली और जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली पूछते रहिएगा।